Hi everyone, I hope you all are well. Welcome to Right Guidance and Ambition. My name is Anjali. So इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ पोलिटिकल साइंस फर्स्ट सेमेस्टर के इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस की सीरीज जो है वो स्टार्ट करने वाली हूँ. आई होप इससे पहले जो मैंने सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न पे वीडियो बनाई थी आपने देख ली होगी. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जिस भी सब्जेक्ट की आप सीरीज़ देख रहे हो आप लाइन वाइज देखो ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना हो. सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न की वीडियो होती है जिसके अंदर मैं आपको यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बताती हूँ शॉर्ट ट्रिक से. अगर आप वो वीडियो ध्यान से देख लोगे तो आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं होगा. आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस कौन से आपने वहाँ पर तैयार करने हैं, एग्जाम के लिए कितने मार्क्स के करने हैं. सो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न की वीडियो देखो, देन उसके बाद ये जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस की सीरीज मैं अपलोड करती रहूँगी वन बाय वन, वो आप कंटिन्यू करते रहना. और इन वीडियोस से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो. आई विल ट्राई जितना जल्दी हो सके मैं आपको रिप्लाई करूँगी. इनकेस अगर मैं यूट्यूब पे रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ कि यूट्यूब पे काफ़ी सारे कमेंट्स हो जाते हैं डेली बेसिस के, तो आप मुझे इंस्टा पे भी पूछ सकते हो. मेरी इंस्टा आईडी जो है मेरे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है. नाउ विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक. सो क्वेश्चन नंबर वन, डिफाइन पोलिटिकल साइंस, राइट डाउन द स्कोप ऑफ पोलिटिकल साइंस. सबसे पहले आपने लिखना है इंट्रोडक्शन. आपका क्वेश्चन 18 मार्क्स का है लॉन्ग वाला. उसको लिखने का एक पैटर्न होता है. कॉलेजेस में बहुत बार टीचर्स जो है ये पैटर्न नहीं बताते हैं जिसकी वजह से आप सीधा जो पॉइंट्स लिखने स्टार्ट कर देते हो उसकी वजह से आपको नंबर नहीं मिलते हैं. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक पैटर्न को फॉलो करते हुए अपना आंसर लिखो. और ये बहुत ईजी है. जो भी इंट्रोडक्शन मीनिंग मैं यहाँ पर आपको बताऊँगी आप चेंज भी कर सकते हो, अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, बट एक पैटर्न को फॉलो करके अपना आंसर लिखना बहुत ज़रूरी है. तो सबसे पहले आपने लिखना है इंट्रोडक्शन. Political science is very old and an important subject. With the passage of time, its meaning and subject matter has kept changing. So, political science कोई नया subject नहीं है, बहुत पुराना subject है, बहुत important subject है. और जैसे जैसे time आगे बीतता गया है इसका meaning, इसका subject matter जो है जो हम इसमें study करते हैं वो काफ़ी change होता गया. According to modern thinkers, political science is concerned with all types of political activities such as struggle for power, use of influence, etc. तो जितने भी मॉडर्न थिंकर्स हैं जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं उन सबका ये कहना है कि पॉलिटिकल साइंस एक बहुत ही वाइड सब्जेक्ट है जिसके अंदर जितनी भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो सारी इंक्लूडेड है. जैसे कि आजकल स्ट्रगल फॉर पावर, जिसके हाथ में पावर होगी वही डिसीजन ले पाएगा उस कंट्री उस एरिया के लिए. यूज़ ऑफ इन्फ्लुएंस, जो पावरफुल पर्सन होते हैं वो अपना इन्फ्लुएंस यूज़ करते हैं, अपना प्रभाव यूज़ करते हैं ताकि जितने भी पॉलिटिशियंस हैं वो डिसीजन उनके फेवर में लें, उनके अकॉर्डिंग लें. तो ये सारी चीज़ें जितनी भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हैं ये पॉलिटिकल साइंस का पार्ट है. नेक्स्ट आपने हेडिंग डालनी है मीनिंग. वर्ड पॉलिटिक्स इज डिराइव फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड पॉलिस विच मीन्स सिटी स्टेट. ये जो पॉलिटिक्स वर्ड है ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है, ग्रीक भाषा से पॉलिस से, जिसका मतलब होता है सिटी स्टेट. विद द पैसेज ऑफ टाइम द एज ऑफ सिटी स्टेट केम टू एन एंड एंड द प्रेजेंट डे नेशन स्टेट्स केम इनटू एग्जिस्टेंस. जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा है तो ये जो सिटी स्टेट का कॉन्सेप्ट है कि एक शहर में जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं सिर्फ वही पॉलिटिकल साइंस में है, वो चीज़ अब ख़त्म हो चुकी है. आज के टाइम में पूरी नेशन, ऑल ओवर द कंट्री और ऑल ओवर द वर्ल्ड जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो सारी की सारी पॉलिटिकल साइंस का आज पार्ट है. ऑल दोज एक्टिविटीज़ विच आर ऑफ पॉलिटिकल नेचर, वेदर लोकल, नेशनल और इंटरनेशनल, इन द स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस. तो कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो लोकल लेवल पे हो रही है, नेशनल लेवल पे हो रही है या इंटरनेशनल लेवल पे हो रही है, जो पॉलिटिक्स से कनेक्टेड है वो सारी की सारी पॉलिटिकल साइंस के अंदर कवर की जाती है, उसे स्टडी किया जाता है. सो ये मीनिंग है पॉलिटिकल साइंस का. नेक्स्ट आपने हेडिंग डालनी है डेफिनेशन. मैंने सबसे ईजीएस्ट डेफिनेशंस यहाँ पे ऐड की हैं. अगर आपको बुक में कोई और डेफिनेशन ईजी मिलती है तो आप वो भी ऐड कर सकते हो, बट इट इज़ कंपलसरी कि यहाँ पे आप दो डेफिनेशंस ऐड करो. और यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि डेफिनेशन आप अपनी लैंग्वेज में बनाकर नहीं लिख सकते हो क्योंकि ये पॉलिटिकल थिंकर्स या साइंटिस्ट के कहे हुए वर्ड्स हैं. तो आपको टू द पॉइंट ऐसे ही लिखनी पड़ेंगी. आप दो या तीन बार इसे लिख के रिवाइज कर लेना, आपको ये ईजिली लर्न हो जाएंगी. फर्स्ट डेफिनेशन है, अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट ए डेल, पॉलिटिकल एनालिसिस डील्स विद पावर, रूल और अथॉरिटी. ये जो पॉलिटिकल साइंस ये सब्जेक्ट है ये किस किस चीज़ से डील करता है, किसके हाथ में पावर है, कौन रूल कर रहा है और अथॉरिटी किसके पास है ऑर्डर देने की. नेक्स्ट डेफिनेशन है, अकॉर्डिंग टू एलन आर बॉल, पॉलिटिक्स इज एन एक्टिविटी कंसर्न्ड विद कॉन्फ्लिक्ट,
कंसेंसस, डिसीजन मेकिंग, पावर एंड अथॉरिटी. जो पॉलिटिक्स है ये कॉन्फ्लिक्ट से कनेक्टेड है, कि यानी कि जो भी ग्रुप्स बने हुए हैं वो हर कोई चाहता है कि हमारे अकॉर्डिंग जो है गवर्नमेंट डिसीजन ले, तो जिसकी वजह से ग्रुप्स के अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं. अब किस तरीके से कंसेंसस यानी सहमति के साथ डिसीजन लिया जाता है सरकार के द्वारा, डिसीजन कैसे लेती है सरकार, पावर किसके हाथ में है, अथॉरिटी किसके हाथ में है डिसीजन लेने की, तो ये सारी चीज़ें जो है पॉलिटिक्स का पार्ट है. जब आप इंट्रोडक्शन, मीनिंग एंड डेफिनेशन लिख लोगे, देन आपकी हेडिंग आएगी स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस. सो फर्स्ट आपका पॉइंट है स्टडी ऑफ द गवर्नमेंट. यहाँ पे जो पॉइंट की नंबरिंग है ये थोड़ा सा अवॉइड करना, क्योंकि यहाँ पर मैंने जो इंपॉर्टेंट लगे मुझे पॉइंट, सिर्फ मेन पॉइंट्स ही आपको कवर करके दिए हैं, और जो यहाँ पे लाइंस अंडरलाइन की हैं सिर्फ आपने उतना ही कवर करना है. सो स्टडी ऑफ द गवर्नमेंट, देयर आर वेरियस फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट सच एज पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, प्रेजिडेंशियल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट, यूनिटरी गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, डिक्टोरियल गवर्नमेंट एटसेट्रा. द सब्जेक्ट ऑफ पोलिटिकल साइंस मेक द स्टडी ऑफ ऑल दीज फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट एंड ऑल्सो टेल्स अस विच ऑफ दीज इज बेटर एंड वाई. तो पॉलिटिकल साइंस में क्या होता है कि जितनी भी सरकारें होती हैं उन सबकी स्टडी की जाती है. जैसे इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, यहाँ पे संसद है, पार्लियामेंट है जो डिसीजन लेते हैं इंडिया के लिए. अमेरिका के अंदर प्रेजिडेंशियल गवर्नमेंट है, वहाँ पे प्रेजिडेंट के पास पावर रहती है, वो मेन हेड ऑफ द अथॉरिटी होते हैं. फेडरल गवर्नमेंट वो होती है जिसमें पावर को डिवाइड कर दिया जाता है, जैसे कि लेजिस्लेटिव भी है, एग्जेक्टिव भी है और जुडिशरी भी है. तो इस तरीके से अलग अलग तरीके की सरकारें होती हैं जो कंट्रीज़ में काम करती हैं, उनको स्टडी कौन सा सब्जेक्ट करता है, पॉलिटिकल साइंस. अब ये जो सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस, इन सारे गवर्नमेंट्स को स्टडी करके हमें ये बताता है कि कौन सी गवर्नमेंट सबसे बेहतर है, किसके प्लस पॉइंट्स ज़्यादा हैं, कौन सी गवर्नमेंट नेगेटिव है. डिक्टोरियल गवर्नमेंट वो होती है जहाँ पे डिक्टेटरशिप होती है, तानाशाह वाली सरकार होती है जो कि लोगों के राइट्स छीन लेती है. तो ये सारी चीज़ें हमें कैसे पता लगती हैं, जब हम पॉलिटिकल साइंस में सब गवर्नमेंट्स को स्टडी करते हैं, उनको कंपेयर करते हैं, तब हमें पता लगता है कि कौन सी गवर्नमेंट सबसे बेस्ट है. एंड में मैंने शॉर्ट ट्रिक ऐड की है जिससे आप ये सारे पॉइंट्स ईजिली लर्न कर लोगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जामिनर यही चेक करते हैं कि बच्चे ने टू द पॉइंट कितने पॉइंट्स लिखे हैं, कोई ऐसा पॉइंट तो कवर नहीं कर दिया जो किसी और क्वेश्चन का था. तो ऐसी गलती आपसे ना हो इसीलिए मैंने शॉर्ट ट्रिक बनाई है जिससे आपका एक भी पॉइंट मिस नहीं होगा और टाइम भी बचेगा, जिससे आप फटाफट अपने सारे पॉइंट्स जो है ईजिली कवर कर पाओगे एग्जाम में. सो नेक्स्ट आपका पॉइंट है स्टडी of international relations and international organizations. Present is the age of internationalism, therefore each state has to establish relations with other state. आज की जो एज है ये इंटरनेशनल वाली एज है, यानी कि हर स्टेट को अपने जो रिलेशंस है वो दूसरी स्टेट के साथ बनाने पड़ते हैं ताकि टाइम आने पर वो उनकी मदद करें. Efficient means of transport and communication has also brought these state क्लोज़र टू ईच अदर. उसके अलावा हमने ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन जो सिस्टम है उसको भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर लिया है, जिसकी वजह से स्टेट्स एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो पा रही हैं. इंटरनेशनल कोऑपरेशन इज़ ऑल्सो नीडेड फॉर इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल प्रोग्रेस ऑफ द एंटायर वर्ल्ड. पूरे एंटायर वर्ल्ड का ग्रोथ हो सके इसलिए भी बहुत ज़रूरी है कि इंटरनेशनली जितने भी स्टेट्स हैं, यहाँ पे स्टेट्स का मतलब कंट्रीज़ है क्योंकि पॉलिटिकल साइंस में कंट्री को स्टेट बोला जाता है, तो जितने भी इंटरनेशनल स्टेट्स होते हैं वो आपस में कॉपरेट करने की कोशिश करते हैं ताकि एंटायर वर्ल्ड जो है वो ग्रो कर सके. बिसाइड इंटरनेशनल लॉज द पोलिटिकल साइंस मेक्स द स्टडी ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सच एज यूनाइटेड स्टेट्स, यूनेस्को, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन FAO, वर्ल्ड बैंक WB, इंटरनेशनल मोनिट्री फंड IMF. तो पॉलिटिकल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर इंटरनेशनल लॉ स्टडी किए जाते हैं, यानी कि जो ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पे दो कंट्रीज़ लड़ाई कर रही हैं तो कौन पनिशमेंट देगा, कौन इन्वॉल्व होगा, ये सारे इंटरनेशनल लॉज जो हैं वो पॉलिटिकल साइंस के अंदर स्टडी होते हैं. उसके साथ साथ जितनी भी इंटरनेशनल संस्थाएँ बनाई गई हैं ताकि जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व किया जाए, उनकी स्टडी भी इस सब्जेक्ट में की जाती है. जैसे कि UNO, यूनेस्को, ILO, WHO, कोरोना के टाइम में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से गाइडलाइंस आ रही थी कि कौन सी कंट्री ने कौन से डिसीजन लेने हैं हेल्थ रिलेटेड. तो ये सारे जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं इनकी स्टडी भी पॉलिटिकल साइंस में की जाती है. नेक्स्ट आपका पॉइंट है स्टडी ऑफ द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल. इंडिविजुअल इज नॉट ओनली अ सोशल बींग, ही इज पोलिटिकल बींग ऑल्सो. ही इज सेंट्रल टू ऑल द टाइप्स ऑफ पोलिटिकल एक्टिविटी. इंडिविजुअल यानी कि एक इंसान, एक सोशल बींग ही नहीं, यानी कि एक सोसाइटी में रहता हुआ एक इंसान ही नहीं,
बल्कि एक पॉलिटिकल बीइंग भी है, राजनीतिक एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होने वाला इंसान। जितनी भी आज के टाइम में राजनीतिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं, डिसीजन लिए जा रहे हैं, पावर, अथॉरिटी, इन्फ्लुएंस, ये सारा यूज़ कौन कर रहा है? इंसान यूज़ कर रहे हैं। तो इसीलिए सबसे इम्पॉर्टेंट किसकी स्टडी मानी जाती है? एक इंडिविजुअल के बिहेवियर को। क्योंकि अगर कोई कंट्री का पीएम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो उसका माइंडसेट क्या है, वो किस तरीके से डिसीजन ले रहे हैं, क्योंकि उन्हीं के अकॉर्डिंग जो है उनकी कंट्री ग्रो करेगी, प्रोग्रेस करेगी। द प्रोटेक्शन ऑफ हिज इंटरेस्ट, ही मेक्स वेरियस टाइप्स ऑफ एसोसिएशन, टेक्स आउट पोजिशंस, कंटेस्ट इलेक्शंस, फॉर्म गवर्नमेंट एंड रन्स एडमिनिस्ट्रेशन एटसेट्रा। अब अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए इंसान बहुत सारे एसोसिएशंस यानी संस्थाएं बनाते हैं, धरने देते हैं, रैलीस करते हैं, इलेक्शन करवाते हैं, सरकार को बनाते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन को चलाते हैं। तो ये सारी चीज़ें करने वाले कौन है? इंसान। तो इसीलिए एक इंडिविजुअल के बिहेवियर को स्टडी करना एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है और ये स्कोप में स्टडी किया जाता है पॉलिटिकल साइंस के। नेक्स्ट आपका पॉइंट है स्टडी ऑफ पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज। What is the purpose of the state? Why people live in the state and obey the orders of the state? What are the duties and rights of the state? What are the rights and duties of the people? Etc. are questions which generally come to the mind of man. अब यहाँ पे एक स्टेट का पर्पस क्या है, एक राज्य, एक एरिया बनाया ही क्यों गया है और लोग क्यों उस राज्य में रहते हैं, उसके जो ऑर्डर्स हैं उसको ओबे करते हैं, जो अपनी राइट्स हैं, अपने अधिकार है उसके लिए डिमांड करते हैं, अपनी ड्यूटीज़ निभाते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्यों चल रही हैं? मोस्ट ऑफ द टाइम एक इंडिविजुअल के माइंड में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि स्टेट बनाई क्यों गई है, सरकार बनती ही क्यों है। तो डिफरेंट साइंटिस्ट हैव गिवन डिफरेंट आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस विच आर नोन एज इज़म्स। तो अलग अलग साइंटिस्ट और थिंकर्स ने इसके जो थ्योरीज हैं, जो इसका आंसर है वो दिया है, जिसको हम इज़म लगा के जो है एक्सप्लेन करते हैं। अब यहाँ पर बहुत सारे जो इज़म्स हैं यानी जो थ्योरीज हैं उसके एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे कि इंडिविजुअलिज़म, यूटिलिटेरियनिज़म, कम्युनिज्म, सोशलिज्म, फासिज्म, नाजिज्म, गांधीज्म एटसेट्रा। अभी फ़िलहाल के लिए आपके लिए टर्म समझना ज़रूरी नहीं है, एक दो टर्म समझा देती हूँ, बट इतना एक्सप्लेनेशन में आपको जानने की ज़रूरत नहीं है कि इनका मीनिंग क्या है। गांधीज्म, जिसके अंदर गांधी के जो गाइडलाइंस थे, उनके जो थॉट्स थे, उसको फॉलो किया जाता है। नाजिज्म, जो एडोल्फ हिटलर थे, नाजी पार्टी से बिलोंग करते थे, डिक्टेटर थे, उनकी थ्योरी को एक्सप्लेन किया नाजिज्म में। एंड इटली में एक लीडर थे मोसोलिनी, वो भी एक डिक्टेटर थे, उनकी थ्योरी को एक्सप्लेन किया गया है फासिज्म में। तो ऐसे करके ये सारे इज़म्स हैं, थ्योरीज हैं। नेक्स्ट आपका पॉइंट है स्टडी ऑफ कॉन्ट्रोवर्सीज एंड कॉन्फ्लिक्ट। द रिसोर्सेज ऑफ द स्टेट आर जनरली लिमिटेड एंड ईच इंडिविजुअल वॉन्ट्स टू कैप्चर मैक्सिमम रिसोर्सेज, सो देयर आर कॉन्फ्लिक्ट एंड कॉन्ट्रोवर्सीज एंड पोलिटिकल साइंस ऑल्सो मेक्स द स्टडी ऑफ दीज कॉन्फ्लिक्ट एंड कॉन्ट्रोवर्सीज। अब देखो, जितने भी रिसोर्सेज हैं यानी कि पदार्थ जो भी अवेलेबल हैं हर कंट्री के अंदर, वो लिमिटेड हैं, वो इतने ज़्यादा नहीं हैं कि सबको इक्वली मिल जाएँ। अब हर इंडिविजुअल की ये नेचर है कि वो ज़्यादा चीज़ें ग्रैप करना चाहते हैं, पावर ज़्यादा लेना चाहते हैं, मैक्सिमम रिसोर्सेज उनके पास आ सकें, वो इसकी कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़े होते हैं, कॉन्ट्रोवर्सीज क्रिएट होती हैं, और उस चीज़ की स्टडी भी पॉलिटिकल साइंस में की जाती है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है स्टडी ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। देयर आर ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस टू डिफरेंट प्रॉब्लम्स एंड आउट ऑफ दीज टू सेलेक्ट द प्रॉपर सॉल्यूशन इज नोन एज द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग। अब जब कभी प्रॉब्लम सामने आती है तो उसके बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं, सरकार में बैठकर ये डिसाइड किया जाता है कौन सा सॉल्यूशन सबसे बेस्ट है, और उसी बेस्ट सॉल्यूशन को यहाँ पे बोला गया है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, की डिसीजन लेना लोगों के लिए। टू इरेडिकेट पॉवर्टी यानी गरीबी को किस तरीके से दूर किया जाता है, इलिटरेसी अनपढ़ता को कैसे ख़त्म किया जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी को कैसे ख़त्म किया जाएगा, ताकि कंट्री जो है डेवलप हो सके, एग्रीकल्चर को डेवलप किया जा सके, इंडस्ट्रीज़ को ग्रो करवाया जा सके। गवर्नमेंट इज़ ऑलवेज बिजी विद सेलेक्टिंग द प्रॉपर ऑल्टरनेटिव। तो हमेशा सरकार इस चीज़ में बिजी रहती है डिसीजन मेकिंग में कि कौन सा सॉल्यूशन सबसे बेस्ट है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है स्टडी ऑफ कंसेंसस एंड कॉपरेशन। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ऑल द पीपल एग्री ऑन द सेम सब्जेक्ट एंड ऑल द पीपल डू नॉट डिसएग्री ऑन द सेम सब्जेक्ट। अब देखो, ये ज़रूरी नहीं है कि हर बार जो है लोग एक ही चीज़ पे सहमत हो जाएं। अगर 100 लोग बैठे हैं किसी मुद्दे पे डिसीजन लेना है, वो 100 के 100 लोग बोलेंगे कि हाँ यही चीज़ सही है। ऐसा भी नहीं हो सकता कि वो 100 डिसएग्री हो जाएं एक साथ ही कि हम नहीं मानते इस चीज़ को। तो कभी भी सहमति इतनी ईजिली नहीं बन पाती है किसी भी टॉपिक पर। इसीलिए जो है पूरी कोशिश की जाती है कि पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सके कंसेंसस के थ्रू।
कंसेंसस होते हैं आपसी सहमति से बैठकर डिसीजन लेना बिना झगड़ा किए हुए. बिकॉज ऑफ दिस टुडे द पॉलिटिक्स ऑफ कंसेंसस इज कंसिडर्ड बेटर. तो इसीलिए आज के टाइम में कंसेंसस यानी आपसी सहमति को सबसे बेहतर माना गया है, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा जिसको वोट मिलेंगे या लोग मेजॉरिटी के साथ जो कहेंगे वो चीज़ की जाती है. नेक्स्ट आपका पॉइंट है स्टडी ऑफ लीडरशिप. द स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस इंक्लूड द स्टडी ऑफ लीडरशिप. लीडरशिप इज द एक्टिविटी ऑफ परसुएडिंग पीपल टू कोऑपरेट इन द अचीवमेंट ऑफ अ कॉमन ऑब्जेक्टिव. पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के अंदर लीडरशिप की भी स्टडी की जाती है. लीडरशिप यानी कि एक ऐसी क्वालिटी है, एक ऐसा एक्टिविटी है जिसके थ्रू एक लीडर लोगों को इन्फ्लुएंस करता है ताकि सब लोग एक साथ डिसीजन लें, साथ में मिलकर चलें ताकि उनकी कंट्री ग्रो कर सके. जो उनका कॉमन ऑब्जेक्टिव है वो पूरा हो सके उनकी कंट्री के लिए. दे एग्रीगेट एंड एट्रिकुलेट द इंटरेस्ट और डिमांड्स ऑफ द पीपल एंड ऑर्गेनाइज देम फॉर देयर फुलफिलमेंट. तो यहाँ पर जो भी लीडर होंगे वो लोगों के इंटरेस्ट और डिमांड्स को एट्रिकुलेट करेंगे, एक साथ इकट्ठा करेंगे, देन उन पर बैठ कर डिस्कशन करेंगे, देन उसके बाद उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेंगे. लोगों की जो डिमांड्स होंगे उसके अकॉर्डिंग वर्क करेंगे. तो ये जितनी भी स्टडी है लीडरशिप की ये भी पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के अंदर की जाती है. नेक्स्ट आपका पॉइंट है स्टडी ऑफ इलेक्टोरल सिस्टम. डिफरेंट मेथड्स ऑफ इलेक्शन आर अडॉप्टेड फॉर इलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव. सो हमारे जितने भी रिप्रेजेंटेटिव हैं, गवर्नर, CM, PM, प्रेजिडेंट एट्सेट्रा, इन सबको कैसे चुना जाएगा इस मैथड को भी स्टडी किया जाता है. पोलिटिकल साइंस मेक्स अ स्टडी ऑफ डिफरेंट इलेक्टोरल सिस्टम, देयर मैरिट्स, डीमेरिट, एंड आफ्टर मेकिंग कंपैरेटिव स्टडी ऑफ दीज टेल अस व्हिच ऑफ दीज इज बेस्ट एंड व्हाई. तो पोलिटिकल साइंस इस चीज़ की स्टडी करते हैं कि अलग अलग देशों में इलेक्शन किस तरीके से करवाए जाते हैं. जैसे कि पाकिस्तान में सिस्टम और है, इंडिया का सिस्टम और है, अमेरिका का और सिस्टम है. इन सारे सिस्टम्स को पढ़कर ये पता लगाया जाता है कि क्या बेनिफिट है इनके, मेरिट्स क्या है और नुकसान डीमेरिट्स क्या है. फिर उसमें से पढ़कर ये बताया जाता है कि सबसे बेस्ट इलेक्टोरल सिस्टम कौन सा है पूरी दुनिया का. तो इस तरीके से ये स्टडी भी की जाती है पॉलिटिकल साइंस में. नेक्स्ट आपका पॉइंट है स्टडी ऑफ पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस. पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप, इंटरेस्ट ग्रुप, लेबर यूनियंस, स्टूडेंट्स एंड टीचर यूनियंस एट्सेट्रा आर मेनी सच फोर्सेस विच इन्फ्लुएंस द डिसीजन एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑफ द स्टेट एंड एवरी सच एसोसिएशन विच डायरेक्टली और इनडायरेक्टली influences the policies of the state come under the scope of political science. अब देखो, लोगों को जब भी अपनी डिमांड सरकार के सामने रखनी होती है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ग्रुप बनाते हैं. पॉलिटिकल पार्टीज़ का सबको पता है, पॉलिटिकल पार्टीज़ में वोट डाले जाते हैं, एक मैनिफेस्टो आता है, एजेंडा होता है उनका इलेक्शन में खड़े होने का. उसी तरीके से बहुत सारे और ग्रुप्स भी होते हैं जो शायद इलेक्शन में खड़े नहीं होते हैं, बट उनका मेन काम ये होता है कि लोगों की डिमांड सरकार तक पहुँचाना और सरकार उनके अकॉर्डिंग डिसीजन ले. जैसे कि प्रेशर ग्रुप्स होते हैं सरकार पर प्रेशर डालने के लिए, इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं कि इंटरेस्ट जो है उनका सरकार सुने. उसके अलावा जो लेबर होते हैं, जो ट्रेडर्स होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, हर किसी का एक ग्रुप होता है, एक यूनियन होता है. फार्मर्स ने जब प्रोटेस्ट किया था तो फार्मर्स के भी अपने ग्रुप्स बने हुए थे. तो ये लोग क्या करते हैं, गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं, अपने बात गवर्नमेंट तक पहुंचाते हैं ताकि गवर्नमेंट उनके अकॉर्डिंग डिसीजन ले, उनके फेवर में डिसीजन ले. तो ऐसी कोई भी एसोसिएशन, कोई भी ऐसा ग्रुप जो सरकार से कनेक्टेड है, सरकार को इन्फ्लुएंस कर रहा है अपने अकॉर्डिंग डिसीजन लेने के लिए कि हमारे अकॉर्डिंग डिसीजन लो, हमें भी इन्वॉल्व करो, तो ये सारे जितने पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस हैं इसकी स्टडी भी पॉलिटिकल साइंस में की जाती है. नेक्स्ट पॉइंट है स्टडी ऑफ द कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स. डिफरेंट कंट्रीज हैव अडॉप्टेड डिफरेंट गवर्नमेंटल सिस्टम्स एंड द सब्जेक्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस मेक्स द कंपैरेटिव स्टडी ऑफ वेरियस गवर्नमेंटल सिस्टम्स एंड द वेरियस फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस देयर वर्किंग. अब हर कंट्री का अपना एक सिस्टम है जिसके तरीके से वो सरकार को चलाते हैं, अपनी पॉलिटिक्स को चलाते हैं, रूल्स रेगुलेशंस होते हैं उस कंट्री के. पॉलिटिकल साइंस में जितनी भी कंट्रीज के गवर्नमेंट सिस्टम है उनको स्टडी किया जाता है, कंपेयर किया जाता है, जितने भी फैक्टर्स उनको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, उन पर प्रभाव डाल रहे हैं, वो सारी चीज़ों को स्टडी किया जाता है पॉलिटिकल साइंस के अंदर. नेक्स्ट आपका पॉइंट है स्टडी ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज़. राइट्स आर दोज कंडीशंस ऑफ सोशल लाइफ विच आर असेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल. अधिकार वो कंडीशन होती है किसी भी एक इंसान की जिसके बिना हम उसकी लाइफ अज्यूम ही नहीं कर सकते. आप एक कंट्री में रह रहे हो, आप एक स्टेट में रह रहे हो, जब तक आपको सरकार आपके अधिकार नहीं देगी आप प्रॉपरली डेवलप नहीं हो पाओगे. तो इसीलिए एक इंडिविजुअल के लिए राइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है. एवरी स्टेट ट्राइज टू प्रोवाइड वाइड रेंज ऑफ
राइट्स टू द इंडिविजुअल. अब हर स्टेट, हर कंट्री ये कोशिश करती है कि जितने मैक्सिमम अधिकार वो लोगों को दे पाए वो देने की कोशिश करते हैं. अ स्टेट इज नोन बाय द राइट्स विच इट गिव्स टू इट्स सिटीजन एंड पॉलिटिकल साइंस मेक द स्टडी ऑफ दीस. स्टेट एक कंट्री जानी ही इस चीज़ के लिए जाती है कि वो कितने अधिकार अपने सिटीजन्स को देते हैं, और इसी चीज़ की स्टडी की जाती है पॉलिटिकल साइंस में. नेक्स्ट आपका पॉइंट है स्टडी ऑफ पावर, इन्फ्लुएंस एंड अथॉरिटी. इन द 20th सेंचुरी न्यू कॉन्सेप्ट्स ऑफ पावर, रूल, अथॉरिटी हैव बिकम पॉपुलर. 20th सेंचुरी में ये कुछ नए कॉन्सेप्ट आए हैं जो पॉलिटिकल साइंस में फेमस हुए हैं. दो दिस कॉन्सेप्ट वर ऑलरेडी देयर, येट मॉडर्न राइटर्स मैक्स वेबर, रॉबर्ट एडेल, एलमंड एंड पोवेल एटसेट्रा गिव फॉर द फर्स्ट टाइम अ वेरी सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक एक्सपोजिशन. तो ये जो कॉन्सेप्ट हैं ऑलरेडी यहाँ पर थे, बट इन्होंने इसको मॉडर्नाइज करके एक्सप्लेन किया. जो आज के थिंकर्स हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, उन्होंने इसको आज के टाइम एक्सप्लेन कर दिया कि पावर का मतलब क्या है, इन्फ्लुएंस का मतलब क्या है. जब हम इन्फ्लुएंस करते हैं सरकार को, डिसीजन लेने में रुकावट डालते हैं, अथॉरिटी जो मेन पर्सन के पास होती है डिसीजन लेने की, तो ये कॉन्सेप्ट जो है मॉडर्न साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन किए हैं. इनके नाम भी यहाँ पर आप 2 या 3 लिख सकते हो जो आपको यहाँ पर लर्न हो जाए. तो उन्होंने इसको पहली बार एक सिस्टमैटिक तरीके से एक थ्योरी में एक्सप्लेन किया है ताकि हम ईजिली इस चीज़ को पढ़ सकें. नेक्स्ट आपका पॉइंट है स्टडी ऑफ पॉलिटिकल कल्चर. एवरी स्टेट हैड इट्स ओन डिस्टिंक्ट पॉलिटिकल कल्चर विच अफेक्ट द वर्किंग ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम, एंड बाय अंडरस्टैंडिंग इट वी कैन अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम इन प्रॉपर परस्पेक्टिव. द स्टडी ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिकल कल्चर हैज़ मेड द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस मोर प्रैक्टिकल. अब हर राज्य, हर कंट्री का अपना एक कल्चर होता है जिसके अकॉर्डिंग वो इलेक्शन करवाते हैं, अपने कंट्री के हेड को चुनते हैं, और जो भी उससे रिलेटेड पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ होती हैं उसको करते हैं. कुछ बैकग्राउंड होता है कंट्री का, कोई इतिहास होता है, वो सारा आपका कल्चर जो है उस चीज़ से कनेक्टेड है. और हर कंट्री का देखो कल्चर डिफरेंट होता है जिसके अकॉर्डिंग उनका पॉलिटिकल सिस्टम जो है बनता है. तो इस चीज़ की स्टडी, पॉलिटिकल कल्चर की स्टडी भी पॉलिटिकल साइंस में की जाती है ताकि हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकें कि कोई कंट्री का पॉलिटिकल सिस्टम वैसा क्यों चल रहा है. अगर कोई कंट्री डिक्टेटरशिप में है, तानाशाह है वहाँ पे, तो वो क्यों है, उनका बैकग्राउंड क्या था, तब हमें जाके पता लगता है. पॉलिटिकल कल्चर की स्टडी कर हम प्रैक्टिकली रियल लाइफ में जान सकते हैं कंट्री का पॉलिटिकल सिस्टम किस तरीके से वर्क कर रहा है. नेक्स्ट आपका पॉइंट है स्टडी ऑफ पॉलिटिकल सोशलाइजेशन. बाय पॉलिटिकल सोशलाइजेशन वी मीन द फॉर्मुलेशन ऑफ द वैल्यूज एंड बिलीव्स ऑफ द पीपल टुवर्ड्स पॉलिटिकल सिस्टम. पॉलिटिकल सोशलाइजेशन का मतलब है कि एक कंट्री के लोगों के क्या विश्वास हैं, क्या वैल्यूज़ हैं अपने कंट्री के पॉलिटिकल सिस्टम को लेके. जैसे कि हमारी कंट्री के अंदर जो हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट है वो PM है, अमेरिका के अंदर हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट प्रेसिडेंट है. तो ये जो वैल्यू और बिलीफ है कि इंडिया के अंदर हमेशा PM होंगे, मेन हेड अथॉरिटी, उनकी बात मानी जाएगी, अमेरिका के अंदर प्रेसिडेंट की बात मानी जाएगी, तो ये जो सिस्टम अलग अलग चल रहे हैं ये वैल्यूज़ और बिलीव्स है लोगों के जो ट्रांसफ़र होते जा रहे हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, और ये सिस्टम ऐसे ही पास ऑन होता जाएगा, चलता जाएगा. इस चीज़ को हम पॉलिटिकल सोशलाइजेशन कहते हैं. सो पॉलिटिकल सोशलाइजेशन इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस थ्रू इट पॉलिटिकल कल्चर इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर. इट कैन फॉर्मल एज वेल एज इनफॉर्मल. टुडे दिस कॉन्सेप्ट इज ऑल्सो अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस. अब देखो ये एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है. जो आज की जनरेशन है वो नई चीज़ें, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ सीख रहे हैं अपने पुरानी जनरेशन से, देन जब नई जनरेशन आएगी वो उनको पास ऑन करेंगे. तो ये कल्चर पास ऑन होता रहता है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, और जो चीज़ें हैं हम लोग सीखते रहते हैं पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ की. अब ये फॉर्मली भी होती हैं, जैसे कि स्कूल्स के अंदर सबको पॉलिटिकल साइंस सिविक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है ताकि हमें जो जो बेसिक नॉलेज है पॉलिटिकल साइंस की वो मिल सके. फॉर्मली पढ़ाया जाता है, और इनफॉर्मल तरीके से भी घरों में डिस्कशंस होती हैं, या फिर इनफॉर्मल तरीके से पेरेंट्स बच्चों को सिखाते हैं, और इनफॉर्मल तरीके से ग्रुप्स बनाए जाते हैं, सोसाइटीज़ में ग्रुप्स होते हैं जिसके थ्रू हम सीखते हैं. तो फॉर्मली और इनफॉर्मली भी सोशलाइजेशन होती है, और इस चीज़ की स्टडी भी पॉलिटिकल साइंस में की जाती है. नेक्स्ट आपका पॉइंट है एवरी कंट्री हैज़ इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम विच इज़ प्रिपेयर्ड कीपिंग इन माइंड द ट्रेडिशंस, नीड्स, टारगेट फिक्स्ड फॉर द फ्यूचर ऑफ द कंट्री. अब देखो हर कंट्री का अपना एक संविधान होता है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बुक होती है, रूल बुक जिसे हम कहते हैं, जिसके अकॉर्डिंग उस कंट्री को चलाया जाता है. अब वो बुक जो है उस कंट्री के ट्रेडिशंस, कल्चर, जो उस कंट्री के लोगों की ज़रूरतें होती हैं, जो उस कंट्री का टारगेट होता है, ग्रोथ टारगेट, उसके अकॉर्डिंग उस बुक को
तैयार किया जाता है. बिकॉज ऑफ दिस द नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम डिफर्स फ्रॉम कंट्री टू कंट्री. इसी वजह से हर कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशनल बुक होता है वो डिफरेंट रहता है, रूल बुक जिसे हम कहते हैं. और इस चीज़ की स्टडी भी हम पॉलिटिकल साइंस में करते हैं. नेक्स्ट आपका पॉइंट है स्टडी ऑफ लॉ. देयर इज नीड ऑफ रूल्स टू रेगुलेट द लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल व्हाइल लिविंग इन द स्टेट एंड रूल्स मेड एंड इन्फोर्स्ड बाय द स्टेट आर नोन एज लॉस. अब देखो ये बहुत जरूरी है कि एक इंडिविजुअल की लाइफ को प्रॉपरली चलाने के लिए चाहे एक राज्य या एक कंट्री में रूल्स बने होने चाहिए ताकि वो इंडिविजुअल उन रूल्स को फॉलो करे और कोई भी किसी को हार्म ना करे, प्रॉपर अपनी लिमिट में रहकर जो है अपना काम करे. इन्हीं सारी चीज़ों को हम लोग लॉस कहते हैं जो कि स्टेट इन्फोर्स करती है, स्टेट लागू करती है इन कानूनों को. देयर इज़ ऑलवेज कोरोसिव फोर्स बिहाइंड द लॉस मेड बाय द स्टेट एंड एनीबडी हु वायलेट दीज लॉस इनवाइट्स पनिशमेंट. अब ये जो कानून होते हैं इसके पीछे एक पावर रहती है कि आपको ये कानून मानने पड़ेंगे. अगर कोई कानून नहीं मानता है, उसको वायलेट करता है, तो उसको पनिशमेंट दी जाती है. तो इन कानूनों की स्टडी करना भी पॉलिटिकल साइंस में जो है इम्पॉर्टेंट माना गया है. ये भी एक स्कोप है पॉलिटिकल साइंस का. जब आप ये सारे पॉइंट्स कवर कर लोगे देन एंड में आपकी हेडिंग आएगी कॉन्क्लूजन, जो कि आपने 4 to 5 लाइंस लिखनी है. कोई भी इंपॉर्टेंट लाइंस जो हमने पूरे क्वेश्चन में डिस्कस की हैं आप एंड में लिख सकते हो, बट कॉन्क्लूजन लिखना इज मस्ट क्योंकि इससे आपका आंसर जो है कॉन्क्लूड हो जाएगा. अगर आपके पास टाइम कम बचा है, आपने एंड में अपना आंसर अटेम्प्ट किया और आपने सिर्फ 10 पॉइंट्स ही कवर किए, 8 पॉइंट्स ही कवर किए, तब भी आपको कॉन्क्लूजन लिखना जरूरी है. बिना कॉन्क्लूजन के आपके आंसर कॉन्क्लूड नहीं माना जाएगा. और एंड में मैंने यहाँ पे आपके लिए शॉर्ट ट्रिक बनाई है जिससे आप अपने सारे पॉइंट्स इजीली लर्न कर सकते हो. ये आंसर में ऐड नहीं करना है, ये मैंने सिर्फ आपके लर्न करने के लिए यहाँ पे ऐड किया है. अब यहाँ पर मैंने एक्रोनियम बनाया है, जैसे कि अल्फ़ाबेट्स मैंने यहाँ पर फर्स्ट अल्फ़ाबेट लिया है, जैसे कि ICICI, तो आई से इंटरनेशनल, सी से कॉन्फ्लिक्ट, आई से इंडिविजुअल. ये हर एक पॉइंट का इंपॉर्टेंट वर्ड है को ज्वाइन करके यहाँ पर मैंने एक्रोनियम बनाया. जरूरी नहीं है आपने यही लर्न करना है. अगर आप कोई और ईजी बना सकते हो तो आप भी अपना एक्रोनियम बना के लर्न कर लेना. अगर आप ऐसे एक्रोनियम बना के लर्न करोगे तो एक भी पॉइंट मिस नहीं होगा और जल्दी आपका आंसर जो है वहाँ पे कवर होगा. आपको सोचना नहीं पड़ेगा, आप पहले ही जाकर अपना ये लिख लेना एक्रोनियम और जैसे जैसे पॉइंट्स हैं फटाफट अपने पॉइंट्स वहाँ पे कवर कर लेना. ICICI ये बैंक है, उसका नाम CD, सेल, ग्रिल, डबल सी. तो यहाँ पर इस तरीके से इसको 5-6 बार लिख कर प्रैक्टिस कर लेना, देन उसके बाद आपके पॉइंट्स अच्छे से लर्न हो जाएंगे. सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की हेडिंग होती है. कई बार देखा है कि टीचर्स जो है बीच का कंटेंट स्टडी भी नहीं करते हैं अगर आपने पॉइंट्स बहुत अच्छे लिखे हुए हैं. तो अगर आप चाहते हो कि आपको अच्छे नंबर मिलें तो सबसे इम्पॉर्टेंट अपनी हेडिंग का ध्यान रखना, जितने भी पॉइंट्स की हेडिंग है. बीच का कंटेंट आप अपने लैंग्वेज में बनाकर लिख सकते हो, थोड़ा बहुत वो आप चेंज कर सकते हो, उसका कोई इतना इशू नहीं है. बट आपकी हेडिंग टू द पॉइंट होनी चाहिए हर पॉइंट की. बाकी जितने भी फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स हैं उनकी प्लेलिस्ट ऑलरेडी बन चुकी है, पिछले साल ही बना दी थी, सिलेबस बिल्कुल सेम है. तो उन सबकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जैसे कि HCP, सोशियोलॉजी, फिजिकल एजुकेशन, हिस्ट्री, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारे सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा. आप उन्हें जाकर चेक कर सकते हो अपने सिलेबस के साथ मैच करके. अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो. आई विल ट्राई जितना जल्दी हो सके मैं आपको रिप्लाई करूंगी. आई होप यू विल फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड हेल्पफुल. इफ यू हैव एनी डाउट रिलेट टू दिस वीडियो और सिलेबस प्लीज कमेंट बिलो. शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑन टाइम. ऑल द बेस्ट अचीवर्स, हैव अ नाइस डे.